अब हमारा हिंदी का पीरियड है। ओके बेबीज, हिंदी के पीरियड में हम अपने स्वर की अच्छे से स्वर का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो मैम आज आपको स्वर से रिलेटेड एक ग्रुप वर्क करेंगे जिसमें आपने पिक्स देखनी है और पिक से संबंधित हम नीचे सही जो उसका स्वर होगा हम वो लिखेंगे। ओके पिक्स तो मेरे बेबीज को सारी पता ना, हमने लास्ट वीडियो में मैम ने आपको पिक्स दिखाई थी सारी। ओके तो जो भी पिक होगी हम उससे संबंधित नीचे स्वर लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ओके ओके बेटा, ये हमारी बुक है स्नेह प्रभा। स्नेह प्रभा में हमने काम करना है पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे चित्र देखकर उनके नाम का पहला स्वर लिखिए। तो पहले हमने चित्र देखना है, फिर हमने वहाँ पे स्वर लिखना है। उल्लू, उ, उ, तो हम यहाँ पे उ लिखेंगे। ईद, ये मैम ने आपको बोला था ना, ये त्यौहार होता है। ओके मुसलमानों का फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ईद। इस पे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, इसमें लंबी साउंड आ रही है ना बेटा, तो हम यहाँ पे आधा गोल ऊपर लगाएंगे ईद। नेक्स्ट बेटा इमली, इसमें साउंड जल्दी ख़त्म हो रही है, इमली इ इ, तो यहाँ पे इ आएगी। नेक्स्ट बेटा ऐनक, ऐनक ए ए, इसमें लंबी साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे हम ए के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे। एड़ी ए ए, ये जल्दी फिनिश हो रही है एड़ी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, लिखेंगे ए ए। नेक्स्ट बेटा अनार, आनार नहीं है ये, ये क्या है अनार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अ अ। औरत, औरत, ओ की साउंड लंबी जा रही है ना, तो यहाँ पे आ के ऊपर दो ओ की मात्रा आएंगी औरत। नेक्स्ट बेटा उन, इसको हम उन बोलेंगे ऊन, इसमें लंबी साउंड आ रही है, क्या आ रहा है ऊन, तो यहाँ पे हम बेटा क्या लिखेंगे ऊ। नेक्स्ट बेटा आम, अम, यहाँ पे अम की साउंड आ रही है, अ आएगा, नो यहाँ पे क्या आएगा, अ के पीछे आ की मात्रा आम। नेक्स्ट ओ, ओखली, ओखली, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही, ओ जल्दी फिनिश हो रहा ना ओखली। ओके तो बेबी आपने यहाँ पे चित्र देखकर उनके नाम का पहला स्वर लिखना है। ओके आपने साउंड के अकॉर्डिंगली देखना है किस में ए की साउंड आ रही, किस में ए की साउंड आ रही है, तो आपने मैम को ये अपना काम करके सेंड करना है। ओके धन्यवाद बेटा।